शक्ति के बिन शिव है अधूरा, नारी के बिन नर है अधूरा, दोनों से संसार जागे, दोनों से संसार जागे, अर्ध नारीश्वर मन तो बहुत था कि जाने से पहले किसी भी तरह एक बार वर्तिका से मिल लूं, लेकिन इनकी बात के खिलाफ मैं कभी नहीं जा सकती। हेलो, हाय विभा, कैसी है? दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप बताइए वर्तिका दीदी के क्या हाल है? वो भी ठीक है, थोड़ी सी अपसेट है बस। एक मिनट, वर्तिका, वर्तिका, विभा का फोन है। हाँ विभा, बोल, कैसी है? दी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और घर पे अभी तक बहुत टेंशन है। आपको पता है दीदी, बुआ जी और फूफा जी वो लोग वापस जाने वाले हैं। और आपको पता है दी, कल आपके यहाँ से जाने के बाद बहुत हंगामा हुआ। क्यों, क्या हुआ? और आपको पता है दी, बुआ जी ने तो पैकिंग भी शुरू कर दी, लेकिन बेचारी मनी मन बहुत दुखी है। वो जाने से पहले एक बार आपसे मिलना चाहती थी। लेकिन फूफा जी ने तो साफ साफ मना कर दिया। हेलो, हेलो, क्या हुआ दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है? विभा, देख, माँ के जाने से पहले मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ, कैसे भी कर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनके मन का बोझ हमेशा मुझ पर दबाव बनाता रहे। अरे दी, आप इतनी चिंता मत करिए, हम लोग जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, कोशिश करके आपको जरूर मिलवाएंगे। Thank you.
भाग्य की देवी भाग्यहीन है, दया लुटाए स्वयं दीन है। कैसी विडंबना है ये ईश्वर, अर्ध नारीश्वर, अर्ध नारीश्वर, अर्ध नारीश्वर, अर्ध नारीश्वर। वर्तिका, क्या हुआ वर्तिका? वर्तिका तुम रो रही हो, क्या हुआ वर्तिका? अब क्या कह दिया विभा ने? तुम्हारे घर वाले भी ना, और खास करके तुम्हारी बहनें, छोटी छोटी बातों को एक बड़ा सा ब्रेकिंग न्यूज बनाकर तुम्हारे सामने रख देती है। क्या हुआ वर्तिका? अब क्या कह दिया विभा ने? तुम्हारे घर वाले भी ना, और खास करके तुम्हारी बहनें, छोटी छोटी बातों को एक बड़ा सा ब्रेकिंग न्यूज बनाकर तुम्हारे सामने रख देती है और तुम परेशान हो जाती। नहीं भालू, ये छोटी बात नहीं। माँ और बाबूजी मामा जी का घर छोड़कर जा रहे हैं, तो वो भी मामा जी के घर में इतना बड़ा हंगामा होने के बाद। और पता है तुझे, बाबूजी ने माँ को तो कसम भी दी है कि अब मुझसे कोई रिश्ता ना रखे। देखो, अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं बुआ जी से तुम्हें जरूर मिलवा दूंगी किसी न किसी तरह। ठीक है? हाँ, फोन रखती हूँ मैं। तुम्हारी समझ में मेरी कोई बात नहीं आती है ना? मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपने जो जीवन में परेशानियां झेली हैं, उसके लिए मैं हमेशा दोषी रहूंगी और अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।
और अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दे वर्तिका। तुझे तो पता है बेटा कि एक माँ अपने बच्चे के लिए किस तरह तड़पती है, और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ एक माँ ही होती है जो शायद मरकर भी हमेशा अपने बच्चों के लिए तड़पती रहती होगी। वर्तिका समझ, मुझे तेरे बाऊजी को भी देखना है, उनकी तबीयत को भी संभालना है। और आप माँ बाऊजी की बिल्कुल चिंता मत करिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। यहां तक कि वो तो अपने जीवन के सारे सुख देखेंगे, मधुर की शादी भी। और मां रही मेरी बात, आप देखना मां, मैं बाऊ जी का सर ऊंचा करने में जरूर सफल रहूंगी, और उन्हें कभी किसी के आगे झुकने नहीं दूंगी, कभी नहीं। हाँ, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है वर्तिका। बस बेटा एक प्रार्थना है तुमसे कि मुझे कभी गलत मत समझना, और बेटा हो सके तो तुषार से। ना प्लीज, फिर से उसी टॉपिक पे मत शुरू होइए। क्या कह रही है कि आप अपने आप को छोटा बना के कोई फैसला करिए? तो बिल्कुल सिर्फ ये चाहती है कि आप और तुषार जी साथ में हो जाए, ऐसा आप लोग दिल से चाहते हैं, एक दूसरे के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। देख वर्तिका, विवाह एक ऐसा बंधन होता है जिसमें दोनों को तालमेल से ही चलना होता है। उसने उसके लिए तुझे माफ कर दिया, माफ कर दिया तुझे। बेटा तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले, मैं तो ऑफिस से लौटे भी कितनी देर हो गई, और मेरे तो खाने की भी तैयारी कर, ये सोचकर कि तुम फ्रेश हो जाओगे और मैं खाना लगा दूं। क्या बात है बेटा, परेशान लग रहे हो? माँ आपको अच्छी तरह से पता है ना, आपको क्या सुमन को अच्छी तरह से पता है कि ऑफिस से लौटने के बाद मुझे एक कप चाय चाहिए होता है, लेकिन लगता है सुमन को मेरी बातों के सिवाय सब बातें याद रहती है। अरे बेटा, खैर छोड़ दो, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। ना ना माँ, माँ ये बहुत छोटी सी चीज है, चाय 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 क्या होता है माँ, मुझे चाय मिली या नहीं मिली आपको इतनी छोटी सी बात पता नहीं है, तो इस घर में जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं उस बारे में आपको कैसे पता चला होगा, और हो सकता कि वो सारी बातें वो सारी खबरें आप तक पहुंचने ही नहीं दी जाती। ये तो क्या कह रहा है बेटा, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे पता नहीं है?